कृषि दर्शन में सबसे पहले बात करते हैं इस बार के बजट की, जो कि कृषि के क्षेत्र के लिए काफी खास रहा। जी हाँ, इस बार भी फोकस रहा कि कैसे कृषि के क्षेत्र को गति मिल सके। आइए जानते हैं कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा। 2022-23 का बजट लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, दलित, महिला, नौजवान के जीवन स्तर में बदलाव लाने और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दृष्टि से यह बजट एक तौर से पूरे देश में नई आशा का संचार करने वाला है। इस बजट का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने इस बजट में बहुत ही दूरदृष्टि दिखाई है और आने वाले 25 सालों में भारत कैसा होगा ये झलक इस बजट से दिखाई देती है। जहाँ तक कृषि मंत्रालय का सवाल है, कृषि मंत्रालय का बजट गत वर्ष 1,23,000 करोड़ था, इस बार वह बढ़कर 1,32,000 करोड़ रुपया हो गया है। कृषि के क्षेत्र में जो बजट की चिंता की गई है उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ। कृषि क्षेत्र में चाहे कृषि उत्पादन का विषय हो, उत्पादकता बढ़ाने का विषय हो, तिलहन जैसे मिशनों को प्रारंभ करने का विषय हो, एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी से जोड़कर किसान की क्षमता, उसे वाजिब दाम मिले ये सुनिश्चित करने का विषय हो, इस दिशा में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। सरकार MSP पर किसान का उत्पादन खरीदती है, उसके लिए भी अनुमानित 2,50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करके इस बजट में रखा गया है। यह निश्चित रूप से देश के किसानों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर भी बजट में चिंता की गई है। इस प्रकार के प्रावधान से किसान की न सिर्फ आमदनी बढ़ती है वरन किसान अपने उत्पादन का निर्यात करने में भी सक्षम होता है। किसान की क्षमताएं बढ़ें इसके लिए पर्याप्त मात्रा में चिंता की गई है। किसानों की भूमि के डिजिटलीकरण का विषय हो, फसल के मूल्यांकन का विषय हो, ड्रोन जैसी तकनीक से उनके पेस्टिसाइड के छिड़काव का विषय हो, ये सब बहुत ही अभूतपूर्व प्रावधान हैं और मैं समझता हूँ कि इन प्रावधानों से निश्चित रूप से किसान की आमदनी न सिर्फ दोगुनी होगी, कृषि के क्षेत्र में मूलभूत बदलाव आएगा और किसान की सक्षमता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी। सिंचाई के क्षेत्र में, जैविक कृषि के क्षेत्र में भी सरकार ने पर्याप्त चिंता की है। जैविक खेती का रकबा बढ़े और प्राकृतिक खेती पर भी बल दिया है। प्राकृतिक खेती पर बल देने के लिए
पैसे का भी प्रावधान है और प्राकृतिक कृषि कृषि विश्वविद्यालय में हमारे कृषि छात्र भी सीख सकें और उसमें दक्ष हो सकें, इसके लिए राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम में जोड़ने का भी आग्रह किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में अपना अनुसंधान के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। और वहीं दूसरी ओर सूक्ष्म सिंचाई जैसी परियोजनाएं, पानी के सदुपयोग के विषय को देखें तो सूक्ष्म सिंचाई पर तो बल है ही, लेकिन बड़ी परियोजना 44,000 करोड़ की नदी जोड़ो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कल्पना की गई थी, उसको मूर्त रूप देने का एक सद प्रयत्न इस बजट में हुआ है। केन बेतवा जुड़ेगी तो 62 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी मिलेगा, 10 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचन होगा, बिजली का भी उत्पादन होगा। यह अपने आप में बड़ा कदम है। गांव में हर घर नल से जल मिले, इसलिए जल जीवन मिशन के लिए भी 60,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास मिले, इसलिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूँ गांव, गरीब, महिला, किसान, नौजवान, दलित सबकी चिंता की गई है। यह बजट निवेश को भी आमंत्रित कर रहा है और यह बजट रोजगार के भी लाखों अवसरों को सृजित करेगा। इस अच्छे बजट के लिए मैं पुनः एक बार प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ।